हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन अंडर ₹20,000। तो दोस्तों, जो सैमसंग का स्मार्टफोन कंपनी है ना, वो अपनी डिस्प्ले का क्वालिटी, कैमरा का क्वालिटी, टॉप नॉन्च यूजर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है और दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्टफोन कंपनी है। तो अगर आपको कोई सा भी सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए, तो अगर आप लोगों का बजट रेंज है 20,000 का आसपास, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए टॉप 5 बेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। ये सारे स्मार्टफोन में आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगा और पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा, तगड़ा कैमरा देखने को मिल जाएगा और टॉप नॉन्च यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उसका पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो है सैमसंग की तरफ से M14 और F14। दोनों ही स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशन वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को नहीं मिलेगा। डिजाइन में बस थोड़ा सी डिफरेंस है। M14 में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और F14 में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। आप लोग अपना नीड के अकॉर्डिंग और डिजाइन के अकॉर्डिंग कोई भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। बात कर लेते हैं M14 की स्पेसिफिकेशन की। 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 90Hz का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है और साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। आप लोगों को सैमसंग की तरफ से Exynos 1330 का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे आती है और 6000mAh की बैटरी मिल जाती है 25W फास्ट चार्जिंग के साथ। मोबाइल का बैग में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 50MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से आप लोग 180p पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बात करें स्मार्टफोन का प्राइस का, 4GB रैम, 128 का मेमोरी आप लोगों को मिल जाएगा 50,000 में। नंबर 4 पे आती है सैमसंग गैलेक्सी A45G। ये मोबाइल के अंदर Exynos 1313 का प्रोसेसर मिलता है। ये प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। इसमें 6.6 इंच का 90Hz रिफ्रेश रेट LCD डिस्प्ले मिलता है और कैमरे की बात करें तो पीछे 50MP और 2MP का कैमरा मिलता है और सामने 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी पिक्चर क्लिक करके देगा और 5000mAh की बैटरी मिलता है। ये मोबाइल का प्राइस है 60,499 रुपीस। नंबर 3 पे आती है सैमसंग गैलेक्सी F23 के बारे में। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा और सामने आप लोगों को 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है और इसमें 5000mAh की बैटरी मिलेगा। इस मोबाइल पर आप लोग बहुत ही हाई लेवल का गेमिंग कर सकते हो। Snapdragon 750 का प्रोसेसर मिलता है, 12 बैंड को सपोर्ट करता है और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। ये मोबाइल का प्राइस है 40,999 रुपीस। हमारा लिस्ट पे नंबर 2 पे आती है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A23। सो गाइस, आप लोगों को कोई सा भी लेटेस्ट सैमसंग की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन चाहिए 20,000 से 22,000 के अंदर, तो आप A23 के साथ जा सकते हैं। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन की। 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ और कोनिंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। बात करें प्रोसेसर की, कॉलकॉम के तरफ से स्नैपड्रैगन 695 का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है और 5000mAh की बैटरी दिया गया है, 25W का सपोर्ट है। स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 5MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का डेप्थ सेंसर, 2MP का मैक्रो कैमरा और 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से आप लोग 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसके साथ साथ सुपर स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बात करें स्मार्टफोन का प्राइस का, 6GB रैम, 128GB मेमोरी मिल जाएगा 22,999 रुपीस में। हमारा लिस्ट में नंबर 1 पे आती है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M33। सो गाइस, आप लोगों को कोई सा भी एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए सैमसंग की तरफ से 20,000 के प्राइस सेगमेंट में, आप लोग ये स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन की। 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ और कोनिंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा
और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। बात करें स्मार्टफोन का प्रोसेसर की, आप लोगों को सैमसंग की तरफ से एग्जीनस 1280 का प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आती है और 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो सपोर्ट करती है 25W का फास्ट चार्जिंग को। और स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 5 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। मोबाइल का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है और सुपर स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। उसके साथ साथ बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड मिल जाते हैं। बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की, 6GB RAM 128GB मेमोरी मिल जाएगा 17,000 के अंदर।